many of these companies were not eligible in terms of their net worth. Many of these companies had suppressed the fact that they had been allotted coal mines in the past. बहुत सारी इन कंपनियों ने अपनी नेटवर्थ के बारे में सच्चाई नहीं बताई, एक वेब ऑफ कंपनीज बनाया, एंड यूज सबका एक ही है, सबको अलग अलग क्लेम किया गया। आपको ये भी मालूम है बहुत सारी कंपनियां जो कोल ब्लॉक उनको पहले मिले थे उस सच्चाई को छुपा दी। आपको ये भी मालूम है कि पावर मिनिस्ट्री ने कितने बार कई मामलों में कंपनियों की इस बारे में सही बातें नहीं रखी। Honorable the Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji, I have to ask a question from you, a very straight question. Were you mechanically signing as the coal minister? You know it all very well that the screening committee only recommends. And the final allotment is done when the coal minister puts his signature, which in this case, for the most of the time from 6 to 9, was Mr. Manmohan Singh ji. When Mr. Sri Prakash Jaiswal took from May onwards. तो क्या आपने कुछ जानने की कोशिश की, आपने तहकीकात की? ठीक है, 2G में आपने कहा कि राजा ने हमको आश्वस्त किया तो मैंने उनकी बात मान लिया, वो भी गलत है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सारे विभागों का होता है, लेकिन जो विभाग सीधा आपके अंतर्गत है उसमें इन एलिजिबल कंपनियों के बारे में रिकमेंडेशन आ रही है, आपने कुछ तहकीकात करने की कोशिश की? इसीलिए बीजेपी मांग करती है कि इन सारे कोल ब्लॉक को कैंसिल किया जाए 142 और एक SIT कॉन्स्टिट्यूट की जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अवे फ्रॉम गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, अंडर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द CVC या किसी और संस्था के मॉनिटरिंग में हो। इस बात की हमें बहुत आशंका है कि CBI ईमानदार जांच करने में सक्षम नहीं है। वो योग्य है, मैं सक्षमता की बात कर रहा हूं, दे आर केपेबल, बट वेदर दे विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज दिस स्कैम रीचेस द डोर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ए डेलिबरेट डिले ऑफ 8 years वॉज मेड इन फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑक्शन रूट एंड मैसेज वॉज गिवन, बाउंटी इज देयर फॉर सेल, कम ऑन हरी अप। हेंस इन 3 years 145 ब्लॉक्स and in 12 years about 70 blocks. BJP ये मांग करती है। मित्रों, कल सीएजी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही हल्के और बखलाहट भरे शब्दों में आरोप लगाए। I'm not going to join the level of accusation which the Congress party has hurled on the CAG. एक तो कांग्रेस की अपनी नीति है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जब भी आरोप लगें तो पहले नकारो, फिर जिसने लगाया उसकी क्रेडिबिलिटी कमजोर करो या जिसने फाइंडिंग दी। रिफ्यूज फर्स्ट, डिनाई देयर आफ्टर एंड रिडिक्यूल देयर आफ्टर टू दोज हु आइदर अंडरटेक द इन्वेस्टिगेशन और द रिपोर्ट एज द केस में भी। ये उनकी परंपरा है, चाहे अन्ना का आंदोलन हो चाहे कोई भी हो, हम लोग के ऊपर भी आरोप लगते हैं। लेकिन CAG के बारे में इस तरह के आरोप लगाने से पहले वो रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि CAG बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विल नॉट ज्वाइन पब्लिक इश्यू विद देम और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस तरह की बातें कहना, knowing that the CAG will not be joining issue with them publicly. हम डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछना चाहेंगे, एक तो मैं इस पूरे लगाए गए इस तरह के घटिया आरोप की बहुत भर्त्सना करता हूं, द बीजेपी स्ट्रांगली कंडेम्स द काइंड ऑफ एक्यूजेशन लेवल्ड अगेंस्ट द CAG, बियॉन्ड दिस आई हैव नथिंग टू से। लेकिन हम एक बात जानना चाहेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बताएं कि आपकी पार्टी के नियमित ब्रीफिंग में आपके अधिकृत प्रवक्ता ने जो CAG पर आरोप लगाया है वही क्या आपके सरकार का भी है? द बीजेपी वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑनरेबल द प्राइम मिनिस्टर, डज ही शेयर द ऑलमोस्ट आई वुड से अनफाउंडेड एंड बेसलेस एलिगेशंस
substandard allegations leveled by your official spokesperson in the party's briefing. हम इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं. ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट पर दो मत हो सकते हैं. कई बार सीएजी कहता है कि किसी विभाग में 10 लाख खर्चा होने थे, 8 लाख क्यों खर्चा हुए, 2 लाख का हिसाब क्यों नहीं है. नेचुरल है, इस पर अपना जवाब दें. लेकिन सीएजी के बारे में जो नेहरू जी ने टिप्पणी की थी कि ही इज द कॉन्शियस कीपर ऑफ कंट्रीज ऑडिट, अब नेहरू जी की वो टिप्पणी और कांग्रेस के नेताओं की आज टिप्पणी, हम इसका जवाब प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी से जानना चाहेंगे. मित्रों, जो कल उन्हें आरोप लगाया है कि सीएजी इंडल्जेस इनटू फैंसीफुल कैलकुलेशंस, ये उनका कल का आरोप है. हम इतना ही कहना चाहेंगे जो बात हमने पहले भी कहा हमारे नेताओं ने, कि सीएजी ने 2G में 1,76,000 करोड़ की बात कही. सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में हजारों करोड़ के घपले की बात स्वीकारी है. और जो बेस प्राइस फेवरेबल मार्केट कंडीशन में 1658 करोड़ था 2G का, चिदंबरम के जीओएम ने 2012 में, जबकि एडवर्स मार्केट कंडीशन है मोबाइल टेलीफोनी के मामले में, कई कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं, उसका बेस प्राइस तय किया 14,000 करोड़. और उस 14,000 करोड़ को अगर आप बेस प्राइस पे मल्टीप्लाई करिए सर्कल्स में, इट विल कम टू 1,26,000 करोड़. और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा भी, इट विल क्रॉस 2 लाख करोड़. 3G का ऑक्शन हुआ था, वायरलेस लूप का ऑक्शन हुआ था, द गवर्नमेंट बिकेम रिचर बाय मोर देन 1 लाख करोड़, जबकि टारगेट वॉज अराउंड 65,000 करोड़. ये सारी बातें हम जानते हैं. आज भी तो हमने कहा है कि जो ब्लॉक्स हैं इनको आप कैंसिल करिए, इनको कॉम्पिटेटिव बिडिंग करिए, अगर कोई पब्लिक सेक्टर बिजली बोर्ड है उसका अलग से विचार करिए, बट काइंडली हैव ए प्रॉपर फेयर कॉम्पिटेटिव बिडिंग फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एंड सी व्हाट द रिजल्ट्स कम. इट विल एनी डे क्रॉस मोर देन 5 to 6 लाख करोड़. अभी तो उन्होंने सिर्फ ओपन कास्ट माइन को, 57 ओपन कास्ट माइन को बेच लिया है, विच कम्स टू 1.86 लाख करोड़. तो मित्रों, कांग्रेस पार्टी जितना भी झुठलाने की कोशिश करे, हर दिन जो नई कहानी सामने आती है वो इस बात को कंफर्म करती है जिसको बीजेपी ने पहली बार आज से 2 साल पहले लखनऊ की अपनी कार्यकारिणी में कहा था कि द यूपीए गवर्नमेंट इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस. एवरी पासिंग डे रीइंफोर्सेस द इंप्रेशन विच द बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम सेड इन रेजोल्यूशन इन लखनऊ इन द वर्किंग कमिटी दैट द यूपीए गवर्नमेंट इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस एंड दैट इज बीइंग रीइंफोर्स्ड. Thank you, friends.